नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। एक ऐसा पौधा जिसको चोरी करके लगा लेने का भी अलग से ही महत्व है कि धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। कुछ ऐसा है मनी प्लांट को चोरी करके लगा लेने का राज, यह भी आपको बताऊंगा। पहले आपको बताऊं कि मनी प्लांट को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं, और किसको लगा लेना चाहिए और किसको नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मनी प्लांट, जिसको पैसे का पौधा भी कहा जाता है, इसको घर में लगा लेने के क्या क्या महत्व हैं, यह इस वीडियो में आज आप जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसको चोरी करने का क्या राज है, कि चोरी कर लेना चाहिए पर क्यों। मित्रों, यह बता देना चाहूँगा कि पैसे का पेड़ यानी कि मनी प्लांट हमें हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए, घर की दहलीज के बाहर नहीं या घर के बाहर नहीं। यदि इनसाइड गार्डन है घर के अंदर तो उसमें लगा लें, और यदि ड्राइंग रूम में लगाना चाहें तो वहाँ लगा लें, और घर के अंदर के हिस्से में जो बालकनी आती है वहाँ मनी प्लांट को लगाया जाए तो घर में बरकत बढ़ जाती है, घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है वह भी ख़त्म होती है मनी प्लांट को लगा लेने के बाद। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूँगा कि यदि नौकरी में प्रगति नहीं हो रही है यानी कि प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो घर के किसी भी एक ऐसे कोने में एक नीली कांच की बोतल लें, उसके अंदर जल भर दें, कोई भी साधारण नॉर्मल जल ले लें जो कि साफ स्वच्छ हो, और उसके अंदर यदि आप मनी प्लांट लगाएं तो नौकरी में प्रमोशन भी मिलता है और व्यापार में प्रगति भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसे जैसे मनी प्लांट का पौधा बढ़ेगा वैसे ही घर में आपकी, नौकरी में आपकी, व्यापार में आपकी प्रगति भी बढ़ जाएगी। मित्रों, यह भी बता लेना चाहूँगा कि घर में मनी प्लांट लगाने की या तो संख्या एक हो या दो मनी प्लांट हम लगा सकते हैं, पर यदि दो से ज़्यादा मनी प्लांट यदि हम लगा रहे हैं तो उनकी संख्या सम में होनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8 की संख्या में हो, 3, 5, 7 ना हो, विषम संख्या हम इनको लगाने की न रखें। मित्रों, यह भी साथ ही बता देना चाहूँगा कि मनी प्लांट, जिसका नाम ही मनी से जुड़ा हुआ है, इसको लगा लेने का यह तरीका है कि जैसा मैंने बताया कि घर के अंदर ही लगाएं, पर कहाँ नहीं लगाना है यह भी ध्यान रखें, यह भी पॉइंट नोट कर लें। चाहें तो जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पीछे करके दोबारा देख लें और लिख लें जो मैं बता रहा हूँ, कि वीडियो आप शुरू से देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि मनी प्लांट को कहाँ कहाँ लगाना है। अब यह बताता हूँ कि कहाँ नहीं लगाना है। तो मनी प्लांट को कभी भी बेडरूम के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ये आपका प्राइवेट हिस्सा है घर का, तो इसके अंदर कभी भी हमें मनी प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, जो सबसे पहले कहा था वह भी बता देता हूँ कि मनी प्लांट को चोरी करके लगाने का क्या तरीका है और क्या महत्व है। तो यह भी जान लीजिए मित्रों, मनी प्लांट को उस लहलहाते उस खुशहाल घर से किसी भी तरह, उसकी एक डाली को, उसकी कोई बेल होती है कहीं पर भी उग सकती है, किसी भी हिस्से को आप ले लेंगे और उसको दोबारा से शुरू करेंगे लगाना, तो वह पनपना शुरू हो जाएगा। तो किसी ऐसे खुशहाल घर से जहां पर सभी प्रकार की खुशियां हों और उनकी खुशियों के बारे में लोग बात करते हों, ऐसे घर से किसी प्रकार से मनी प्लांट का एक टुकड़ा आप चुरा लें और अपने घर में ले आएँ, बिना किसी को बताए कि आपने यह कहाँ से प्राप्त किया है, और उसके बाद जैसे जैसे वह बढ़ता जाएगा आपके घर में खुशियाँ, मनी और धन जो है वह भी बढ़ता जाएगा। यह राज था इसको चोरी करके लगा लेने का। तो जिन जिन को इनसे फ़ायदा हो एक बार धन्यवाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, साथ ही लाइक करें इस वीडियो को। आखिरी और एक अचूक बात को बताने जा रहा हूँ कि मनी प्लांट जब भी लगाएं तो यह ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी सेवा भी पूरी करें, कि वह लग रहा है तो नीचे की दिशा की ओर उसके पत्ते कभी ना जाने पाएं, हमेशा उनकी दिशा ऊपर की तरफ रहे। जैसे ही वह बेल मनी प्लांट की धीरे धीरे करके ऊपर जाती रहेगी, वैसे ही आपके घर में धन धान्य भी ऊपर जाते रहेंगे, जितने आपके सुख हैं ऊपर जाते रहेंगे, जो भी मनी प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे, और मनी प्लांट के साथ आपकी मनी
ऊपर जाती रहेगी मित्रों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मनी प्लांट को अपने घर में ज़रूर लाएं। यदि कोई बात ऐसी हो जो कि आपको मुझसे पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी लें और ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ कोई भी सवाल आपकी जन्म कुंडली से जुड़े हुए यदि आपके पास है तो मुझसे पूछ लें नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर। और साथ ही साथ मुझे आप अगर ओम नमः शिवाय लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें तो आपको यह भी मालूम पड़ जाएगा कि आज के दिन में क्या पंचांग है और आज के दिन का क्या राशिफल है, यह आपको डेली मिलने लग जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है ओम नमः शिवाय, ताकि आपको दैनिक रूप से पंचांग और दैनिक राशिफल भी मिलने लगे। और मनी प्लांट के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय।